.os Android Pie 9.0 for Redmi Note 7 Pro। Hi friends, Rajesh here from technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे .os Android Pie ROM के बारे में, जिसको आज हमने अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप इसको इजीली अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा, जिससे हमको आपके थ्रू सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है एंड्रॉयड वर्जन 9.os यानी एंड्रॉयड ऑन टाइम। June 5, 2019 का आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है। आप इसका जो होम स्क्रीन है, आप उसको फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसके आइकन्स चेंज कर सकते हैं, आइकन्स का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे होम स्क्रीन। आइकन्स में जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे आइकन शेप, आइकन पैक। हम H220 का जो आइकन पैक है, यानी H2O का आइकन पैक इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आप आइकन साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने -25 रखा है। आप इसके लेबल्स जो होते हैं, ऐप लेबल्स वगैरह, उनको यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, या कॉलम्स वगैरह जिस तरीके से चाहें उनको एडिट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर ऐप ड्रॉअर में जाएं तो आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। सबसे ऊपर जो है आपको सर्च बार, और उसके बाद आपके सारे के सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और बाकी चीज़ों को भी चेकआउट करते हैं। सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, कुछ आपको इस तरीके से आइकन्स और सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जो फोर्थ नंबर ऑप्शंस हैं वो है डॉट एक्स्ट्रास, जिसके अंदर आपको इनके थोड़े से फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर मिसलेनियस में जाएंगे तो आप स्टेटस बार को डबल टैप कर सकते हैं। उसके अंदर उसको डिवाइस टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, विकअप ऑन चार्ज, 4G आइकन, वोल्टेज आइकन, आपको डिविजिबल चाहिए कि नहीं, वो सारे ऑप्शन आप देख पाते हैं। बैटरी स्टाइल कैसा चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इसके अंदर एंड्रॉइड क्यू का बैटरी स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। परसेंटेज आपको चाहिए कि नहीं, वो आप यूज़ करते हैं। क्लॉक सेटिंग सबको ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर। बैटरी बार का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ट्रैफिक इंडिकेटर्स चाहिए उसका भी ऑप्शन है। स्टेटस बार में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, उसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल इजली कर सकते हैं। अगला फीचर जो इसके अंदर देखने को मिलता है नेविगेशन बार। उसके अंदर आप जो इसके नेविगेशन बार अगर आप यूज़ करते हैं, बट इस टाइम पे हम एंड्रॉइड पाई के जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप नेविगेशन बार्स को यूज़ करते हैं, देन आपके नेविगेशन बार्स में छोटे मोटे चेंजेस आप इजिली यहाँ जाके कर सकते हैं। क्योंकि सेटिंग्स में आपको क्या चीज़ें चाहिए, जैसे ब्राइटनेस लेडर चाहिए कि नहीं चाहिए, वार्निंग्स चाहिए, वाइब्रेट ऑन टच, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। रिसेंट में आप उसके जो स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, आइकन पैक को इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। आप इसके अगर थोड़ा और नीचे जाएँ तो लॉक स्क्रीन में या के लॉक स्क्रीन की UI है, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे क्लॉक स्टाइल कौन सा चाहिए। अगर टेक्स्ट करते हैं तो आपको एंड्रॉइड क्यू का जो क्लॉक स्टाइल है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट से परफेक्टली काम कर रहा है, ये देखिए फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक करता हूँ फोन को, तो हमारा फोन जो है एक बार अनलॉक हो जाता है। बाकी और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे क्लॉक विजेट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, जेस्चर्स चाहिए आपको, डेट फॉन्ट ऑप्शन, क्लॉक फॉन्ट ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आप इसके लॉक स्क्रीन UI में देख सकते हैं। और लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स को भी आप जाके यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मिलता है आपको सिस्टम, जिसमें आप बटन्स में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको एडवांस रीबूट मेनू चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पावर बटन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे पावर बटन के अंदर आपको पावर ऑफ, रीबूट, एडवांस रीबूट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगला फीचर जो है जनरल ट्विक्स में आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, जिसमें 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें भी आप इसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके अपने फीचर्स। बैटरी में आप जाते हैं तो बैटरी में आपको बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, लास्ट फुल चार्ज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्रेसिव बैटरी और बैटरी टेम्परेचर का भी ऑप्शन आप इसके अंदर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर बैटरी के अंदर देख सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर, एक्सपेंडेड डेस्कटॉप, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है इसके अंदर। आप इसकी फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज कम कर सकते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर आपको इसमें मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको UI स्टाइल मिल जाता है। आपको ब्लैक UI चाहिए, डार्क, लाइट, या .os का न्यू UI। आप एसेंस कलर को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, एसेंस कलर जो आपको चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं हम ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं। आप क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है उसको भी कम्प्लीटली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिनको आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर पाते हैं। क्विक सेटिंग पैनल जो है आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एसेंस कलर, स्क्रीनशॉट, रीबूट, स्क्रीन रिकॉर्ड, एक्सपेंडेड डेस्कटॉप और साउंड सर्च के भी ऑप्शन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं। बाकी साउंड में देखते हैं तो साउंड में आपको वही मीडिया कॉल रिंग वॉल्यूम वगैरह मिल जाती हैं। दोनों सिम्स के लिए आप अलग अलग साउंड्स को सेटअप इसमें इजीली कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में आप जाएं तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर पर परफेक्टली काम कर रहा है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। डिजिटल वेल्डिंग आप इसमें देख पाते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, जिसमें अपनी पूरी स्क्रीन ऑन टाइम, कितने नोटिफिकेशन आपको पूरे दिन में दस्ती हुए हैं, कितनी बार अपने फ़ोन को लॉक एंड अनलॉक किया है, वो सारे फीचर्स आप देख पाते हैं। बाकी सिस्टम में आपको वही जेस्चर्स वगैरह आप देख पाते हैं। अगर आपको जेस्चर्स में जाएंगे, स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर देते हैं, देन आपको रेडमी नोट 7 प्रो के आपके नेविगेशन बार्स वापस मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स पैनल में आपको टोटली पूरा दिखा चुका हूं। अब बात करते हैं कैमरा। कैमरा जो इसके अंदर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का मिलता है, जो कि कोई खास नहीं है, बट आप इसके अंदर आपका रेडमी नोट 7 प्रो का MIUI कैमरा है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए एक फाइल आती है ANX कैमरा की, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप इस कैमरे को इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल के अंदर भी आप किसी कस्टम रूम के अंदर फोटोज को कैप्चर कर पाते हैं। नाइट साइड पोर्ट्रेट मोड सारे परफेक्टली इसमें काम करते हुए नज़र आपको मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा कैसे आप इस कैमरे को अपने किसी भी कस्टम रूम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर, तो बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा देता हूँ। बेंचमार्क स्कोर मिलता है इसको 175915, जो कि अच्छा खासा बेंचमार्क स्कोर है। पबजी जो है आप इसके अंदर HD मोड पे खेल पाते हैं। मैंने पबजी का एक गेम खेला था, मुझे सच एस कोई इशू देखने को नहीं मिला। बाकी आपको इसके अंदर का म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, वॉलपेपर्स, क्लॉक, कैलेंडर वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इक्वलाइजर का भी एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप जो है साउंड को थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको दो फाइलें चाहिए, एक तो .os जो कि 867 MB के आसपास की है, एक OpenGApps जो 210 MB के आसपास की है। दोनों फाइलों को आपने सेव कर लेना है और अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। हम डायरेक्टली फ़ोन से ही बूट कर लेते हैं क्योंकि हमको इस रोम के अंदर फीचर मिलता है रिकवरी में बूट करने का, अदरवाइज आप वॉल्यूम अप और पावर के बटन को प्रेस करके अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो ये देखिए अभी कुछ ही देर में हमारा फ़ोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करता है। देखिए रेडमी का लोगो आ चुका है। हम इसके अंदर पीटर्स की जो TWRP कस्टम रिकवरी है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाइप पर जाएंगे, एडवांस वाइप, डाविकैस कैस सिस्टम वेंडर डाटा सबको हम वाइप कर देते हैं। इंटरनल स्टोरेज को आप वाइप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। जैसे ही सारे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं आप इंस्टॉल पर जाएंगे, .os की फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। कुछ ही देर में ही जो रोम है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा कभी भी किसी कस्टम रोम को जब आप फ्लैश करते हैं, क्योंकि कई बार जो है आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ता है तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। बैकअप मस्ट होता है, आप बैकअप हमेशा ले लीजिएगा जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो ये देखिए उसको फ्लैश होने देते हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए रोम हमारा फ्लैश हो गया है। अब लास्ट में हम जो जी एप्स की फाइल है उसको फ्लैश करेंगे ताकि गूगल एप्स जो है इसमें परफेक्टली रन कर सकें। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस फाइल को फ्लैश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लीजिए हमारी जी एप्स की फाइल भी फ्लैश हो गई है। वाइप कैस सॉल्व कीजिए एक बार और उसके बाद रीबूट सिस्टम, डू नॉट इंस्टॉल, दैट्स इट। अब आपने फाइनली सक्सेसफुली जो .os का कस्टम रोम है जो Android Pie 9.0 बेस्ड है उसको अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। कुछ ही देर में आपके सामने .os की बूट स्क्रीन आएगी। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ गई है, इसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इस रोम को अपने Redmi Note 7 Pro में ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो और ये रोम पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।